students, how are you? I hope you are all fine. We are already discussed about why do atoms combine. Okay, we are discussed our last topic octet rule and their limitation. हमने octet rule भी देख लिया था और उसकी limitation भी देख ली थी. उस limitation में बेटा हमने discuss किया था क्या कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते बट फिर भी वो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, BCl3 था, BF3 ले सकते हैं, AlCl3 एंड BeCl2. ये सारे एलिमेंट्स या हम कहें सारे एलिमेंट नहीं कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में अगर हम सेंट्रल एटम की बात करें तो बेटा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग विद क्लोरीन एंड फ्लोरीन क्या हो रहा था, बोरोन के पास या एल्यूमिनियम या बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहे थे. कितने? 8 अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल. तो हम ये कह सकते हैं कि जिस सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी कंपाउंड्स को बेटा एक नेम दिया जाता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. दैट मीन्स the compound in which central atom having less than 8 electron are called electron deficient compound. ठीक है, कुछ ऐसे compounds थे जो हमने discuss किया था जैसे कि PCl5 या मैं कहूँ IF7 है या SF6 है या फिर मैं बात करूँ H2SO4 की, तो उसमें जो central atom है इन central atom में बेटा क्या होता है, more than 8 electron present होते हैं. कब? After the formation of bond with chlorine, fluorine और इधर oxygen and hydrogen, ठीक है? More than 8 electron है तो इनको बेटा नाम दिया जाता है hypervalent compound. कई बार क्या होता है, competitive exams होते हैं और उन exams में आपको optional में मिल जाएंगे, optional मतलब objective type के जो आते हैं उनमें options मिलेंगे आपको ABCD के अंदर, इनमें से कुछ भी मिल सकता है और ये पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा हाइपरवेलेंट कंपाउंड है या पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप इजीली बता दोगे, टिक कर दोगे जल्दी से फास्टली, ठीक है? तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होता है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. तो ये आपका क्या हो गया था, ऑक्टेट रूल, जिसमें ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, हाउ डू एटम कंबाइन. कोई भी एटम्स जो होते हैं वो कंबाइंड होके कंपाउंड या मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, तो वो बेटा अब अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो देखो बेटा, आपको सभी को पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वी नो वेरी वेल, राइट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स आउटर मोस्ट ऑफ सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एटम्स को कंबाइन करने में पार्टिसिपेट करते हैं. वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के विदाउट कोई भी एटम कंबाइन नहीं हो सकते और ना ही मॉलिक्यूल बन सकता है ना ही कंपाउंड बन सकता है, ठीक है बेटा? तो बस इसमें आपको एक ध्यान रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब देखो क्या होता है कि इसमें टू कंसेप्ट आएंगे कि एटम किस वे में कंबाइंड हो सकते हैं. फर्स्ट, अगर कोई भी एक एटम अनदर एटम को क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, बट वो ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, कंप्लीट, हम ये कह सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू द अनदर एटम. ओके, तो उससे क्या बनता है बेटे, एटम्स कंबाइंड होके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट ये, ठीक है? सेकेंड बेटा होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे. अभी हम क्या करें, डिस्कस करेंगे इनके बारे में, क्योंकि बेटा जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का तब भी कोई ना कोई एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है? एक एटम क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग होगी. उसका नेम क्या होता है वो देखेंगे. एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी टू एटम्स अगर अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं, ठीक है, तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है. तो आपको इसमें ध्यान रखना है, टू थिंग्स होती हैं,
क्या होती हैं? एक तो बेटा सपोज मैंने ये कहा ए और बी है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बना लिया है, बॉन्ड बना लिया है। तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका है ही, बट ये भी यूज कर सकता है, मतलब इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो यूज दोनों एटम कर सकते हैं। तो उस टाइप का जो बॉन्ड होगा वो अलग होगा, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड बेटा अगर ए और बी है उसमें म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बन गया, मतलब ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, बट ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्या करे, कोई एक एटम यूज करे दूसरा एटम यूज ही ना करे, ये लेके नहीं जा रहा है बेटा, बॉन्डिंग है इनमें, बट यूज कौन कर रहा है, दिस वन, ये यूज नहीं कर रहा है, तो ये अलग टाइप की बॉन्डिंग होगी, बट है इनमें दोनों में क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेटा जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। एंड बेटा जब इस टाइप की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है एंड दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहे हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टू, वन एंड टू, जैसे मैंने ऐसे शो किया सेम एज इट इज, दोनों यूज कर रहे हैं, तो इस टाइप की कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एंड बेटा जब इस टाइप की बॉन्डिंग हो जिसमें शेयरिंग तो हुई बट यूज कौन कर रहा है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, अनदर टाइप ऑफ एटम यूज नहीं करता है, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। ये चीज ध्यान रखना है, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो अभी ये जो आपके पास बॉन्ड बने केमिकल बॉन्ड ही बन रहे हैं, दैट मीन्स ये अलग अलग टाइप के हैं, तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे वन बाय वन इनको, तो हम ये डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके बेटा मेरे को बोलना ना पड़े, आप अच्छे से समझते रहो, अगर किसी को लगे कि मुझे ये चीजें नोट डाउन भी करनी है तो साथ साथ तो समझना होता है, तो लिखा नहीं जाता, तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव कर सकते हो। तो बेटा इसमें देखो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें अगर हम ये देखें, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है अच्छे से समझना है, बहुत सिंपल है, देखो नाम से पता चल रहा है, आयन, आयन्स है, आपको पता है आयन्स कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है एक पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, अभी देखो बेटा आपके पास टू एटम है, मैंने कहा इसके पास वन इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, तो जब ये इसको ट्रांसफर करेगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गया, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। आई थिंक ये सबको पता होगा इसका रीजन क्या है, नाइन्थ में भी पढ़ा होगा आपने कि जब, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एटम है उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, एंड प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, राइट, और ये दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव क्या हो गया, ज्यादा है नेगेटिव के कंपेयर में, ठीक है, इसीलिए चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव, और इसने बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो इस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि अब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो गई पॉजिटिव के कंपेयर में। तो जिस पर कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, कैटायन, ठीक है। और जिस भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन आता है या रिसीव करता है या गेन करता है तो उस पर चार्ज क्या आते हैं, नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनायन, ठीक है। तो कैटायन एंड एनायन के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, उसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जब हम कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन का वन एटम टू द अनदर एटम तो उनके बीच में एक बॉन्ड की
फॉर्मेशन होती है और उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही एक टाइप का केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होते हैं जो टू एटम्स को होल्ड करके रखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर। क्लियर, आयोनिक बॉन्ड समझ में आ गया। जैसे मैं एग्जांपल लूं आपके, हमने कहा सोडियम है, ठीक है, हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखना कौन सा, फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल के अंदर कितने हैं, तो देखो फर्स्ट के अंदर 8, सेकंड 2, सेकंड के अंदर 8 एंड थर्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन बेटा अगर ये लूज कर दे तो लास्ट अब कितने बचेंगे, 8, मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम पॉजिटिव में चेंज हो गया, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया 2-8। ठीक है, क्लोरीन जो होता है बेटा उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 8 हो जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन का मतलब लूज किया, प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब जुड़ गया इसमें, ऐड हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज N2-8-8, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl के, Cl नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे NaCl। ठीक है, प्लस एंड माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बन गया NaCl, मतलब फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन था, ये मत कहना कि प्लस और माइनस तो कैंसिल हो गया तो ये दूर दूर हो जानी चाहिए, रिपेल थोड़ी ना कर रहे हैं, अट्रैक्शन हो चुका है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज नहीं करना कि, तो NaCl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। तो एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जिन भी कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन सभी कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड विच हैव दिस वन क्या, आयोनिक बॉन्ड, तो जिसके पास आयोनिक बॉन्ड है वो क्या होंगे, सारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर है, ये आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल। अब बेटा मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें क्या क्या फैक्टर जो है उसको अफेक्ट करते हैं एंड उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है आयनिक बॉन्ड की। ठीक है, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्टली मैं डिस्कस कर रही हूँ कि आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देन हम डिस्कस करेंगे कि उनको कौन कौन से आयनिक बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फिर आयनिक बॉन्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड की हम देख ले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट आता है ये किस नेचर के होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्या रीजन होता है, तो अगर आपको रीजन देना हो तो आप क्या बताओगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आया, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर अभी मैंने बता दिया कि आयन्स बनते हैं, एक कैटायन और दूसरा एनायन, और अपोजिट चार्ज आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो आपस में पैक हो जाते हैं, इसीलिए किस नेचर के होते हैं, हार्ड नेचर के। एंड जो हार्ड नेचर के होते हैं उनकी स्टेट क्या होती है, हम बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट, बोल सकते हैं ना बेटा, सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब देखो बेटा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेस पे हम बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी बता सकते हैं। फर्स्ट मैंने बता दिया इनका नेचर या फिर इनकी स्टेट, सेकंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हम कहते हैं ना द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट इनटू द लिक्विड, किसी भी टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड अगर मेल्ट होके किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड के अंदर, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट।
और अगर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके हाई क्यों होते हैं, दिस वन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सिंपल है बेटा। हम कहते हैं कि यहां पर टू एटम्स हैं, ठीक है, इस टाइप से लगा लो, यहां पर बेटा इनके बीच में बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इनके बीच में अगर एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तभी तो ये किसमें चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड के अंदर। तो ये जो बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हमें एनर्जी क्या देनी पड़ती है, हाई एनर्जी, हाई टू ब्रेक। ठीक है, ब्रेक करने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो बेटा सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज करोगे तब भी यही कंडीशन आएगी, और लिक्विड को वेपर्स में चेंज करोगे तब भी ये आएगी कंडीशन। ठीक है, तो टू पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए हैं, फर्स्ट तो हार्ड होता है नेचर के अंदर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, क्या है, तो छोटा सा लेकिन बेटा उस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, थर्ड, ये गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम ये कहते हैं सॉलिड स्टेट है, हार्ड नेचर है, तो कैसे होने चाहिए, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम ये कहेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट किस स्टेट के अंदर, इन सॉलिड स्टेट, अच्छे से देखो, सॉलिड स्टेट के अंदर ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, क्यों, क्या रीजन है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस। समझ आया, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आयंस फ्री नहीं होंगे, अगर मैं बात करूं आपको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की, तो ये आयन बेटा फ्री नहीं है, एक दूसरे से बाइंड है, और जब आयन फ्री मूव नहीं करते हैं, फ्रीली मूव नहीं करेंगे आयन्स, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, इसीलिए सॉलिड स्टेट के अंदर ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर मैं आपसे ये कहूं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसमें, इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड नहीं बोल सकते, एक्वस बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व करके देखते हैं, तो हम ये कहेंगे एक्वस और मोल्टन स्टेट, या उसको हमने क्या किया, सॉलिड को थोड़ा सा हीट कर दिया तो वो थोड़ा मेल्ट हो गया, मोल्टन स्टेट, क्योंकि क्या होता है जब हम उसको हीट करेंगे बेटा तो होगा क्या, वो कुछ एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है, और जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट। तो बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस। अगर फ्रीली मूव करते हैं आयंस या इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है, अगर सॉलिड स्टेट लास्ट में आ गया तो इसका मतलब वहां पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, बैड कंडक्टर है वो, ठीक है, और अगर मोल्टन या एक्वस स्टेट आ गया तो आपके पास क्या है, गुड कंडक्टर, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर जितने भी आयंस या इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई। अगर मोल्टन या एक्वस स्टेट की बात करें तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ थोड़ा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे या आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है, ये थ्री पॉइंट। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या क्या ये सॉल्युबल होते हैं वॉटर के अंदर,
सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। फोर्थ जो पॉइंट है वो हम कह रहे क्या है, ये सॉल्यूबल इन वॉटर। अब सॉल्यूबल इन वॉटर, अगर आप सॉल्यूबिलिटी देखते हो वॉटर के अंदर तो ये कंसेप्ट काम करता है। वो क्या होता है बेटा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है, ये लाइक और लाइक का मतलब क्या है, लाइक और लाइक का मतलब ये है बेटा, जो आपके पास सॉल्यूट, हम इसको सॉल्यूट मान ले, इसको हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो फेज होती है, जो स्टेट होती है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास सॉल्यूट भी कैसा है, पॉलर, और सॉल्वेंट भी कैसा है, पॉलर, तो पॉलर पॉलर एक दूसरे को क्या करते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ नॉन पॉलर है, तो आपके पास नॉन पॉलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पॉलर सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये कंसेप्ट आता है कि ये पॉलर का मीनिंग क्या होता है और नॉन पॉलर का मीनिंग क्या होता है, आता है ना। तो बेटा पॉलर का मीनिंग क्या है, यहाँ के पॉलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं और नॉन पॉलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो पॉलर मॉलिक्यूल क्या होंगे, तो सबसे पहले आपको पॉलर का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो बेटा पॉलर से यहाँ देखो क्या है, पोल्स, पोल्स मतलब टू पोल्स होंगे अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ के अपोजिट साइन के, दैट मीन्स एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, उसको आप क्या बोलते हो, पोल्स बोलते हो। तो इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या प्रेजेंट हो, एक कैटायनिक फॉर्म में हो और दूसरा एनायनिक फॉर्म में होता है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलर मॉलिक्यूल। क्लियर है, जैसे मैं बात करूं NaCl, MgO, AlCl3, ये सारे हैं क्या, क्या है, अगर सोडियम का ऑक्सीजन के साथ देखें तो क्या आएगा, Na2O, ये सारे क्या है बेटा, पॉलर मॉलिक्यूल। पॉलर मतलब इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से इन पर चार्ज जनरेट हो जाता है, एक पर पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, दैट मीन्स टू अपोजिट पोल्स आ गए आपके पास, वही क्या होगा, पॉलर मॉलिक्यूल। तो जो पॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ही वॉटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। पॉलर मॉलिक्यूल मतलब आपको पता चल गया। अब वॉटर क्या पॉलर है बेटा, H2O, अगर मैं बात करूं यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा ऑक्सीजन के साथ टू हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ये होता है पॉलर है। तो हम ये कहेंगे पॉलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट हो, टू अपोजिट पोल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिनमें कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूँ CH4, तो क्या इसमें आप बता सकते हो किस पर पॉजिटिव आएगा किस पर नेगेटिव आएगा, नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो जिनमें शेयरिंग होती है उस पर चार्ज जनरेट नहीं होता, और वो सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है, तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, जब भी सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो ये कंसेप्ट हमेशा माइंड में रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक और लाइक का मीनिंग है कि यहाँ पर सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन जो है वो क्या है, एक ही फेज के अंदर है। पॉलर पॉलर के अंदर डिसॉल्व होगा, पॉलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पॉलर सॉल्वेंट, एंड नॉन पॉलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पॉलर सॉल्वेंट। ओके, क्लियर है। तो ये बेटा था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपाउंड। अब हम इसका लास्ट देख रहे हैं, क्या लास्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। ये आपने यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ा भी होगा, इसमें जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी उनकी मीनिंग उनकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड। बेटे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करे, सबसे फर्स्ट आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी,
सबको पता है कि कोई भी क्या करता है, एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो उसके लिए एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, पता है ना। हम ये कह रहे हैं आउटर सेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बेटा बाहर जाएगा, अंदर वाले नहीं जाएंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है बेटा, बाहर जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स, बाहर एनर्जी क्या है, ज्यादा। क्या एनर्जी मैच हुई, नहीं हुई, तो इसको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी ना, ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसको एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है। उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आइसोलेटेड जो एटम होता है, मतलब एक एटम, बॉन्डिंग नहीं है किसी के साथ उसकी, वो सिंपल एक अपनी फॉर्म में है। तो आइसोलेटेड जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आयोनिक बॉन्ड में भी क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तभी वो बॉन्ड बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाए तो बॉन्ड इजीली बन गया, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन इजीली कब लूज होगा, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको देखनी है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा एक है एटम छोटा, स्मॉल साइज का, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा है, क्या ये इजीली लूज हो जाएगा। देखो आप, अट्रैक्शन ज्यादा, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम। हमें पता है, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब ये फोर्स इसमें क्या है, ज्यादा है, इसमें क्या है, कम। तो हमें इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तभी क्या बनेंगे, आयंस, और तभी क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, दैट मींस आयनिक कंपाउंड बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना इतना इजी नहीं है, तो हमें यहाँ पर इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और एनर्जी जब आप ज्यादा दोगे तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, यहाँ पर हाई, ठीक है। तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज, और तभी क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे, तभी क्या बनेगा, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, कैटायन बनेगा। एक हमने कहा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है, कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा, इजीली लूज होगा दैट मींस जल्दी से रिलीज हो गया, जल्दी से रिलीज हो, आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ी, बहुत कम देनी पड़ी, तो यहाँ आयोनाइजेशन जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, लेस होगी इसके कंपेयर में, इसकी हाई है, इसकी क्या है, लेस। तो आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि इसमें एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तब कैटायन बनेगा। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम, इसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये इजीली जल्दी से लूज हो जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, कैटायन की, और कैटायन बना, ये इलेक्ट्रॉन किसी अदर एटम ने क्या किया, रिसीव किया, एनायन बना, उनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, आयनिक बॉन्ड। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी फेवर कब है, किसके, आयनिक बॉन्ड के, जब वो क्या हो, लेस हो। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी जितनी कम होगी उसमें उतना ही जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा या फेवर में होगा वो आयनिक बॉन्ड के, क्लियर है। तो आयनिक बॉन्ड में आपको ये आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड को कैसे अफेक्ट करती है, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, कम, तभी आयनिक बॉन्ड ज्यादा बनेगा, ठीक है। दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये एक दूसरे के। फर्स्ट फैक्टर समझ आ गया। सेकेंड हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड है बेटा, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम ये कहते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी को क्या करेगा, वो लूज करेगा, और जो एनर्जी लूज हुई उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं इसको, तो
ये कैसे अफेक्ट करेगी किसी भी आयनिक बॉन्ड को? बहुत सिंपल है, मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर से कहाँ आ रहा है, इसमें इसकी एनर्जी क्या है कम, बाहर की एनर्जी क्या है ज्यादा। मैच करने के लिए इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो देखो बेटा वो जितना फास्टली आता है उतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अब मैंने कहा एक का साइज है स्मॉल, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आपको पता है यहाँ साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, यहां से दोनों में फर्क देखना बेटा, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें इनर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा। ठीक है, इजीली वो आ नहीं पाएगा। अगर हम इस केस में देखें तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन थे, उसके साथ साथ देखो स्मॉल साइज है तो इस सेल का और न्यूक्लियस के बीच में क्या रहेगा बेटा, अट्रैक्शन रहेगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट, और जितना जल्दी अट्रैक्शन होगा उतनी ही हाई अमाउंट में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और जितना हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी दैट मींस एनायन बन गया, तो आयनिक बॉन्ड वहां बनना पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गया, इसमें अट्रैक्शन है नहीं क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर आपको इसको यहाँ डालने के लिए इवन एनर्जी देनी ही पड़ेगी, ये यूज नहीं करेगा, देनी पड़ेगी, वो किसमें आएगी, पॉजिटिव के अंदर, और यहाँ पर क्या आएगी, नेगेटिव के अंदर। तो ये कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो थर्ड यूनिट के अंदर। मेरा कहने का मोटिव ये है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी जितनी हाई होगी, ये वैल्यू जितनी हाई होगी आयनिक बॉन्ड उतना ही फास्टली बनेगा, ये दोनों अपोजिट वर्क करते हैं, ये लो होगी और ये हाई होगी तभी क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर, तो सेकेंड पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी हाई होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फास्टली किसमें जा रहा है, सेल के अंदर, आउटर सेल के अंदर, दैट मींस एनायन बनेगा और आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया। देन थर्ड हम बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट देखोगे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, आपने ये दो पॉइंट पढ़े, इसमें क्या हो रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है, इसमें रिक्वायर्ड है, इसमें लूज हो रही है एनर्जी। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है बेटा लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, इसको हम टू कंसेप्ट में समझ सकते हैं। कैसे, हमने कहा कि एक आपके पास है ए प्लस बी कंबाइंड होके वो क्या बना रहा है, ए बी, बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। एक आपके पास ए बी है ही, इसको हमें वापस कन्वर्ट करना ए प्लस बी के अंदर, समझना बेटा अच्छे से। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट देख रहे थे, यहाँ हम टू एटम के बीच के बॉन्ड का कंसेप्ट देख रहे हैं। ए और बी के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। मैंने आपको कहा था जब भी किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड फॉर्म्ड। कोई भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को आप क्या बोलोगे, लैटिस एंथैल्पी। अगर इस केस में हम देखते हैं तो देखो बेटा ये दोनों बॉन्ड, ये दोनों एटम हमें क्या करना है, सेपरेट, तो इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ तो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ एनर्जी हम दे रहे हैं इसको, तो वो एनर्जी क्या होगी, किसी भी टू एटम के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको आप क्या बोलते हो, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, दोनों कंसेप्ट है, चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो। तो अभी हम कौन सा कंसेप्ट देख रहे हैं, आयनिक बॉन्ड का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, दिस वन, एनर्जी रिलीज वाला कंसेप्ट देख रहे हैं। तो देखो बेटा ए और बी के बीच में फास्टली अगर आपको बॉन्ड चाहिए तो उसमें उतने ही ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, एनर्जी
रिलीज होगी। दैट मीन्स अगर लैटिस एंथैल्पी हाई है, लैटिस एंथैल्पी हाई है तो वो फेवरेबल होगी फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये लो होती है, ये हाई, ये भी हाई, दोनों हाई है, ये दोनों हाई होंगी तभी क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड, और जब ये लो होगा तब क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है लैटिस एंथैल्पी का, क्लियर। अब इसमें मैं एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ आपको, एक होता है बेटा साइज, लैटिस एंथैल्पी में ही लेके चलो, साइज और चार्ज दो चीजें हैं। ठीक है, अगर देखो साइज स्मॉल है तो क्या होगा, और अगर चार्ज जो है वो ज्यादा है या कम है तो क्या होगा, फेवरेबल है या नहीं है आयोनिक बॉन्ड के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो दोनों कंसेप्ट एक साथ ही लेके चलते हैं हम। तो इसी में बेटा क्या है, साइज एंड चार्ज। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जितना ज्यादा हाई चार्ज होगा उसमें आयनिक बॉन्ड उतना ही फास्टली बनता है। ठीक है, एंड साइज जितना स्मॉल होगा उसमें आयनिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। इसमें आपको चार्ज देखना है, हाई होना चाहिए, एंड साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल। चार्ज हाई किसका बेटा, कैटायन का, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। तो आपको चार्ज देखना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया क्या इसके बेस पे, एक आपके पास है NaCl, आयनिक बॉन्ड पूछेंगे आपसे किसमें फास्टली बनेगा या ऑर्डर देना हो, NaCl, MgCl2, AlCl3। अगर हम देखें यहाँ पर एनआईएन क्या है बेटा, सेम है, एनआईएन सेम है ना, तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या देखना है, कैटायन देखना है, और कैटायन का हमें क्या देखना होता है, चार्ज देखना होता है। अब चार्ज देखो किस पे ज्यादा है, Na पर क्या होता है पॉजिटिव, Mg पर कितना होता है प्लस टू, एल्यूमिनियम पर कितना होता है प्लस थ्री। जितना चार्ज ज्यादा होगा वो फेवरेबल होगा, या हम कहें उसमें आयनिक कैरेक्टरिस्टिक या आयनिक बॉन्ड ज्यादा बन रहा है, जल्दी बन रहा है, फास्टली बन रहा है। तो ऑर्डर आपको देना हो तो ये वाला ऑर्डर दोगे। ठीक है, क्लियर है। अगर बेटा मैंने ये कह दिया क्या कि हमने ये तो सेम ले लिया, एनआईएन हमने चेंज कर दिया, जैसे मैंने कहा NaCl, NaBr, NaI, मैंने ये दे लिया। इसमें देखो सेम क्या है, सोडियम सोडियम सोडियम, कैटायन क्या है बेटा, सेम। आपको क्या देखना है, साइज देखना है किसका, एनआईएन का साइज देखो, साइज देखो एनआईएन का जल्दी से, बहुत सिंपल है। देखो सीएल का क्या है, स्मॉल, हमने कहा स्मॉल साइज होगा तभी क्या होगा, फेवरेबल होगा आयनिक बॉन्ड के लिए। तो आयनिक करेक्टरिस्टिक इसमें ज्यादा है देन दिस वन। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। कैटायन का आपको देखना है चार्ज, चार्ज क्या होना चाहिए कैटायन का, हाई, और एनायन का आपको देखना है साइज, जो कि क्या होना चाहिए, स्मॉल। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखा है, ऑर्डर पूछा जाता है आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक का, क्लियर है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आयोनिक बॉन्ड। कल हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ बेटा। अच्छे से आपको ये चीज जितने भी आपको पढ़ाया है आपको अच्छे से स्टडी करनी है उसकी, एंड नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर।